किसका के मोल माहौल इसका दीपेंद्र का कांदा सही चल रही है हर जगह दीपेंद्र तो लंगोट बांध का दीपेंद्र की टक्कर थोड़ी ही ना होता इससे दीपेंद्र उड्डा में इसकी खासियत लग गई बढ़िया इतना आता है तेरे हिंदुस्तान में इस एक भी नहीं हुआ होगा कि मान जानिया नहीं होगा दीपेंद्र भारी पड़े दीपेंद्र उड्डा इकन 2.5-3 लाख से जीतेगा उड्डा ने प्लाट दिए थे हाँ दिए थे उड्डा ने बढ़िया काम करे थे और बढ़िया करे है उड्डा बीजेपी तो कर हाँ बीजेपी बहन तो खा लिया सारा देश बेच लिया इन्होंने क्योंकि देश पूरा भी इतना घाटे में लेके देश ने इतनी घोषणा कड्डी वो छोटे छोटे हिंदुस्तान में अगली सरकार कई दादा नहीं पूरी कर सकती इतनी इतनी सौगात दी आ रहे 80 करोड़ तक नौकरी दे दो ये राशन की जरूरत है कौन है हमारा बैठे हुए ना उसके भी जूत मार के काला मुंह करके काट दे हम 15 से दूर नहीं 15 MP बनेगा लोकसभा में बैठेगा गरीबा की आवाज सुनाएगा योगेश्वर दत्त अपनी राजनीति में देख लेना तेसर करेंगे गिवरिया भाई दो बार लिया छोरेगी अपने छोरा अरविंद भी छोरा है बड़ा हो लिया राम राम जी सारे दर्शकों में दीप सिंह आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल गबर बोल इस टाइम भाई बातचीत करा गया रोहतक लोकसभा की क्योंकि वोट सीट है किलो ही मापा खड़े हैं यहाँ चुनावी सर्वे कर लाए रहे ये बुजुर्ग बैठे भाई इन तब बातचीत करा गए किसका क्या मोल है राम राम जी राम राम भाई साहब ठीक हो बिल्कुल ठीक ठीक किसका के मोल है माहौल इसका दीपेंद्र का भाई अरविंद शर्मा भी है यहाँ का MP है हाँ अरविंद शर्मा उसका मोल खत्म हो गया हाँ बिल्कुल खत्म है उसको क्या तो इसी के बात होगी जीरो है भाई इतना ज्यादा भेदभाव को लोगे साथ मेरे ख्यालों कभी नहीं होया जितना अब हो रहा है किसने कराया भेदभाव बीजेपी ने बीजेपी तो लोग 36 जात का काम करने लग कौन करने लग रहा 36 जात का पूछा ही नहीं जाता फार्म उठाते देख कर नीचे डाल देते कोई काम नहीं हो रहा अब 4 महीने से एक लाइसेंस नहीं आ रहा जो रिन्यू करवाया गया इस सरकार में वो लाइसेंस नहीं आया अभी तक धक्के काट काट के थक चुके हैं ये कारण लग रहे 36 की 36 जात का काम मैं 35 एक का काम कर मैं अब ये कह रहा हूँ मैंने 4-5 महीने से अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना दिया है तो इस सरकार में मेरा लाइसेंस 4 महीने से नहीं आया तो क्या काम हो रहा है सरकार का तो बताओ आप ही बताओ ये सरकार का ये एक लाइसेंस रिन्यू नहीं होता तो उसको चलान कट दिया पुलिस वाले कहे हैं भाई लाइसेंस ले गया वो दिखा दे भाई इन्होंने जा रहा हम नहीं मानते चीज को तानना सही चल रही है हर जगह अपनी मनमर्जी चल रही है हर जगह कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है अब जो कानून नाम की या रोजगार की या किसी भी चीज की कुछ भी नहीं है फिर ये झूठी बात कर रहे हैं सब लोग हाँ ये जो टीवी में साथ सबका विकास हाँ जो ये टीवी में एड दिखा रहे हैं या वो कर रहे हैं सबका साथ और मोदी ने ये कर दिया खट्टर ने ये कर दिया सब एक दिखावी ड्रामे है और कुछ भी नहीं है अब CM बदल दिया हरियाणा में नायब सैनी बना दिया है नायब सैनी है तो वही ना उसको उठा के दूसरे को बैठा दिया बात उनकी सब किए की है उनका हाथ में कुछ भी नहीं है जो ऊपर हाईकमान से चलता है ना वो सब नीचे होता है उसको क्या करना है क्या नहीं करना किसानों का कितने साल से चल रहा है कितने साल लाठियाँ खा ली अब ये गोलियाँ खा रहे हैं पहले वैसे गोलियाँ खा रहे थे अब प्लास्टिक की गोलियाँ खा रहे हैं तो वे पाकिस्तानी हो गए जो मांग रहे हैं अपना हक मांग रहे वो कई साल से नहीं मिल रहा किसको रोजगार नहीं है सब हर चीज अब ये बताओ जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा है हाँ। पिछली बार हरा दिया था पिछली बार हरा दिया हराया गया था ना कि हराया था ये भी सरकार ने हराया था ये जो आका है ना इन ने कुछ भी किया था हमें ये सबको ये पता था दीपेंद्र को जबरदस्ती हराया गया दीपेंद्र को हराने का दुख दिख रहा है भाई दुख तो है बिल्कुल दुख है जब एक आदमी सवच साफ हर चीज का है और उसको एक जबरदस्ती हरा देता है तो आपको दुख नहीं होगा किसको दुख नहीं होगा इस चीज का आप बताओ फिर अब की बार क्या सोचा है दीपेंद्र सिंह दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हर हाल में जिताना है चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े अच्छा दिन रात पहरा देना पड़े जहाँ वो होगा अच्छा अच्छा हाँ राम राम तो राम राम भाई चश्मे ला रहे हैं ठीक ठाक है अच्छा के मोल है गांव का के मोल गांव का मोल है सारा कांग्रेस पे कांग्रेस में यू बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं बीजेपी वाले हमने तो कांग्रेस में कर दिया एक बात था सारी डाल गई पछतावनी के किसी एक भाई बीजेपी में एक आधा जागा अच्छा बहुत ज्यादा जोर है कांग्रेस का अच्छा तो एक बात अरविंद शर्मा हाँ कि मैं बढ़िया काम करेंगे नहीं है ना हमने तो कभी सुना नहीं बढ़िया काम करे अच्छा हाँ काम गुमाया ना कभी भी नहीं आया कभी भी सुख दुख में तो आया होगा कभी भी नहीं मरिया बना जिया बना कुछ इन्हें तो मौज लेनी है बाहर के बाहर और कौन बना दे यार यूनिसन में कड़ा टक्कर उठता है इससे अच्छा कदे नहीं उठता यू तो कह लग रहा दीपेंद्र तो लंगोट बांध का दीपेंद्र की टक्कर थोड़ी ही ना उठता इससे क्या था है इसकी अरविंद शर्मा दे वो उठ लेगा टक्कर इसकी कदे भी नहीं कह तो लग रहा जब जमाने शायद बता नहीं सकता वो दुनिया बताऊँ
अरविंद शर्मा जो मैंने पता नहीं मुश्किल हो जाएगी। दीपेंद्र हुड्डा में इसी के खासियत लागी बढ़िया इतना तेरे हिंदुस्तान में इसका एक भी नहीं हुआ होगा कि मानजामिया नहीं होगा इसमें कोई भी नहीं इतना बढ़िया है ना बालक इसका बढ़िया बालक था हमने हिंदुस्तान में कुछ सुना ही नहीं कोई है तो बताओ अंगड़ी टेक कुछ पे हो कोई भी टेक दुनिया में सही मान जाएंगे हम मतलब बेदाग है मतलब बेदाग है बेदाग। अच्छा तो तुमने बता ये दीपेंद्र की में बढ़िया काम कराए है क्या दीपेंद्र ने दीपेंद्र की क्या अच्छे है अच्छा फिर जब बनाएगा तो करावेगा करावा करो पाछे नहीं कराई दी अच्छा बथेरा पीछा दिया अच्छा के कराए थे बथेरा पीछा दिया कि कलम में कराए और घने जितना उसका सटेडियम बनवा कि बहुत काम करे है ना दीपेंद्र ने बहुत घना काम करे था ना जितना पीछा मिला था इसमें कितनी वोटा जिता होता मैं आमदनी कहाँ पूरी पूरी जिता हुआ आम पे अच्छा हाँ ठीक ठीक है राम राम तो राम राम भाई ठीक है राजी है हाँ बिल्कुल राजी अच्छा तो इब के मोल है गांव का इब इलेक्शन आ गया 24 का इलेक्शन आ गया कांग्रेस का मोल है भाई यो तो इसने बताया ही है इनका देखम देखा तो नहीं बोल ना देखम देखा क्यों बोलांगे वोट गिरा भाई अच्छा हाँ तो फिर इब किस इब नो बता अरविंद शर्मा या दीपेंद्र हुड्डा इनमें कौन सा भारी पड़ा है दीपेंद्र भारी पड़े है दीपेंद्र हाँ अरविंद शर्मा ने काम करवाए होंगे आड़ लखा है भी कोई ना अच्छा आड़ा आए नहीं कभी कभी आए नहीं यहाँ एक में भी नहीं सुख दुख में हम उसने जानते को ना कौन हो अरविंद शर्मा हम जानते नहीं मतलब इबके फिर जीतते को नहीं हो ना राम के ना सवाल ही पैदा नहीं होता वो तो कहने लग रहा है अटके फिर उसके कहने से के मैं जीत गया कहने से मोदी भी 400 पार कर रहा है हो जाएंगी ये नहीं होती हरियाणा के अंदर 1000 सीटों जो है ना कांग्रेस की आएंगी रोहतक की बात कर रहे हैं रोहतक रोहतक तो कांग्रेस है ही है कांग्रेस ही आओगी पक्का 100 का 100 कितनी वोटा जिताने की सोच रहे हैं कम से कम 2.5-3 लाख थी अच्छा हाँ फिर पिछली बार क्यों हार गया था क्या कमी रहेगी पिछले हराया गया सरकार ने हरा दिया ताकत थी अगला में ताकत थी राम राम तो राम राम ठीक है ठीक इलेक्शन आ गया 2024 का ये इलेक्शन होना है किसने के जिताओ भाई सही देंगे भूपेंद्र की भूपेंद्र की हाँ और यो अरविंद शर्मा बीजेपी वाला कहने लग रहा है ये ना दमा दानता भी कोई ना दानता भी कोई ना इसने दानता ना अच्छा हाँ किसी के बात होगी इसके गल्ला है बात क्या हमने तो देखा है ना साथ ही यो गम्मा मंदा को नहीं ना नहीं आता पहले आया करता पहले आया ना कभी नहीं आई हो आया था हाँ उसके बाद यो आ नहीं लिया और ना इसने काम का कोई आदमी नहीं जानता कि यो अरविंद शर्मा है ना जी ना बिल्कुल नहीं हाँ बिल्कुल नहीं फिर जीत कुकर गया था वो जब जानता नहीं जी जी सरकार ने जिता दिया वोटा नहीं जिता रखे ये हाँ ये वैसे धोखा वो कर रखे है सरकार ने जिता रखे है ये है ना तो वो नू बता कि मैं काम बढ़िया करे नहीं भूपेंद्र ने ये बिना ये क्यों कर करेगा अच्छा करे बढ़िया काम है बात है तो सारे बढ़िया करे के करे सारे काम अच्छा हाँ सारे काम ठीक करे ठीक करे अच्छा तो के विचार लग गया था इलेक्शन का इलेक्शन का ठीक से भाई दीपेंद्र हुड्डा इपकन 2.5-3 लाख तो जीतेगा और उसका गांव में गवांड में हल्के में कोई प्रोग्राम नहीं है उसका शर्मा का अच्छा कोई भी किसी किस्म का भी हम सलाह तो नहीं कर रहे ना ना सलाह की है हमने के मैं को है और बढ़िया प्रोग्राम पिछली बार हार गया था कि मैं दुख है पिछली बार हार गया था रात गिनती चले गई रोक दी 2 घंटे रोक दी 1 घंटा रोक दी सीएम उड़ा बैठा रहा सीएम का गिनती में काम के हो है अगो है उन जानकर आया है जानकर आया हाँ तो मैं बताता हूँ वही जानकर आ दिया अटके फिर जानकर आ देंगे ना ना क्यों करा रहा देंगे इब करने जब करने था हमने कट्टन मरण दे नो बच गए थे इब करने इन्ह कट्टे बिना कोने आ रहा है इब करने इन्ह इब करने नहीं बढ़न देंगे इन्ह का मामा कट्टे बिना फिर कहने लग रहे अटके फिर जीतता का यू तो ना कोना जी कहने लग रहा लंगोट बांध के मैदान में आ जा दीपेंद्र हुड्डा अरे आ जा बहुत है तैयार है त्यार है हो दे माले चार पार गिफ्ट हाँ
मोदी आने लगे 400 सीट लैन लग रहा मोदी ना ना ये झूठा प्रसार करा इतने वो कर रहा है देश में भाई इतने लाख करोड़ का उड़े वो कर दिया इतने चीत करे हमारे गांव में जा 5 फीस है भी तो लाग रहे हो तो कोई बताओ कोई बता दो कुछ नहीं करे क्या तो हुआ वो मकान कड़े ही बना दिए गरीब आदमी किस चीज तो कहाँ किचन बताओ स्मार्ट सिटी का है दिखा दे जो एक बार किचन किच बने रहे हो आप भी देखना कड़े ही भाई उड़ाना प्लाट दिए थे हाँ दिए थे ये चूड़ी चमारे हमारी बार बार सारे प्लॉट सब चूड़ी चमारा है हमारी कच्चे पंचायती में कैठ रहे कई मकान बना रही न्यून भी हमारे खेत का सहारा है प्लॉट दे रखे हैं कॉलोनी हो रही है पूरी हाँ चलो हमारे खेत का सारे अड्डे कॉलोनी उड्डा ना बढ़िया काम करे और बढ़िया करा है उड्डा बीजेपी तो कर लग रही है हाँ बीजेपी बहन तो खा लिया सारा देश बेच लिया इन्होंने किस देश पूरा भी इतना घाटे में ले गए देश ने इतनी घोषणा कर दी कोई थोड़ी थोड़ी हिंदुस्तान में अगली सरकार कई दादा नहीं पूरी कर सकती इतनी इतनी सौगात दी आ रहे जो प्रधानमंत्री ने सौगात दे रहा किलो अनाज तो देने लग रहे और जनते में किसी माटा ही कौन दे 80 करोड़ है हाँ 80 करोड़ कड़े ही हो कांग्रेस राज में 20 करोड़ दे बता दिए हाँ बता झूठ मेरी झूठ सही है ये तो 80 करोड़ तक नौकरी दे दो ये राशन की जरूरत है कौन है राशन आप ले लेंगे हमें मिठाई खवाई ना रोटी पानी खवाओ ना बढ़िया डाला अच्छा फिर नौकरी को दे रखी थी फिर इसका किसका विचार है इसका सरकार किसकी आओगी और तो आप बताओ किसकी आओगी अच्छा तन्ना मेरा कोनी तू किसकी वोट गिरा है हम तो अपनी गिरांगे के विचार लग गया था वही बस यार हमने ठीक लग गया भाई इसका किसका भूपेंद्र का अरविंद शर्मा क्या करेगा अरविंद शर्मा कुछ नहीं करे जीरो अरविंद शर्मा है जीरो है कती जीरो और मारा कदे आया भी नहीं आया काम में अरविंद शर्मा कदे नहीं आया मारा अरविंद शर्मा कदे भी जाके नहीं देखा अरविंद ने काम तो करे हो गए सुख दुख मत ना ना मारा तो बन जाके भी नहीं आया क्या तो इस काम में आया को नहीं है हमारे आके नहीं आया इस हमारा 55-56 साल वाले हमारे आके नहीं आया अच्छा ये वोट इसका के लग गए फिर किसकी वोट गिरेगा तू मैं तो भूपेंद्र की गिरूंगा और जब दीपेंद्र आ गया तो फिर किसकी चाहे दीपेंद्र आओ चाहे आओ तो कोई जा बाबू बेटा कोई जा गिरा नहीं लगी अच्छा मतलब जाना है तू इनने हाँ जानो हाँ मिले आ कदे इनते मिले है खूब जाओ हाँ इसके उस दीपेंद्र था मिले दीपेंद्र नहीं मिला भूपेंद्र नहीं मिले किसा लग गया व्यवहार किसा है व्यवहार तो ठीक लग गया मैंने उसका बिल्कुल सही ठीक लग गया हाँ कोई कमी नहीं उसमें अच्छा हाँ काम बढ़िया करे हो गए क्यों गणवास के हाँ बढ़िया बतेरे करे मारा रजवाया मारा कटवा दिया सारे काम बढ़िया बढ़िया करे ही नहीं है तो के विचार लग गया इलेक्शन आ गया इलेक्शन आ गया मैंने पहले भी कहा आधार आप भी कर रहा हूँ भूपेंद्र के सवा मारा बैठे हुए ना उसके भी जूत मार के काला मुँह करके काट दिया हम भूपेंद्र से 15 से दूर नहीं जा अच्छा हाँ इतना के खास कर रहा क्या उस नरेश भाया भी कटवाया है बच्चों को नौकरी भी लगाई है और मतलब किसी गरीब आदमी को सहारा भी दिया है और एक ऐसा मुख्यमंत्री है चाहे दीपेंद्र हो चाहे भूपेंद्र वो खाना खाते और को चलिया जा अपनी थाली ने मेरे कैसे कैसे कहने सरका दे हैं इतनी लिहाज वो लोग बरते हैं तो भाई मतलब चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़ी आदमी है नेक इंसान है 36 बरादरी का भाई और 36 बरादरी का बेटा है 36 बरादरी का नेक इंसान था पास लेकर क्यों रहा दिया फिर पाछले गेरे जो ये धांधलेबाजी हुई है ना ये सारी अरविंद शर्मा की कमजोरी है और मतलब वोटा में मशीना में मारी गया धोखा होया है नहीं तो दीपेंद्र हुड्डा जीत रहा था चाहे आज भी सर हुआ करवा दो कितनी वोटा जीत रहा है मतलब वोटा दे 5-6 हज़ार वोट ले रहा होगा फालतू ले रहा था लेकिन धोखा होया ये भाग आगे का अल्टीमेट यो है आगा हम इसके साथ धोखा नहीं होने देंगे चाहे मारी नाड़ गए चाहे हमारा खून भी बह जाओ हमने वो काम करना है जो डट रहे जो ये भारत माता को हमारे देशभक्तों ने अपने खून से सींच के आज़ाद कराया था ना तो हम भी अपने खून से सींच के मोदी दीपेंद्र ने आज़ाद करावा दीपेंद्र ने बनावा दीपेंद्र एमपी बनेगा लोकसभा में बैठेगा गरीबों की आवाज़ सुनेगा
ठीक है, के कुछ विचार लग गए भाई, युवा है के कुछ सरकार चाहिए भाई? कांग्रेस की सरकार आओगी, कांग्रेस की आओगी रोहतक में, किसकी के वो दीपेंद्र लड़ता है, दीपेंद्र कति एक तरफा पिछली बार हार गया था, इब के फिर हरा दियो मोदी 400 सीट का है, आगे हरा दिया 4 बजे। आप मेरे ख्याल में आज राजनीति के इतिहास में 4 बजे डिक्लेरासी देखो है नहीं वा रिजल्ट, जो दीपेंद्र के लिए धांधलीबाजी करी है, जोड़ तोड़ लाए गए लाए गए लाए गए, आखिर में 4 बजे जाकर रिजल्ट सुनाया है, वो 5-4 हजार की रोल तो तोड़ करके जब डिक्लेयर कर यूएम में जीते और बेल्ट पेपर में फिर उस धांधलीबाजी करके वो जिता दिया। योगेश्वर दत्त को है पछली गढ़ तो 6-7 हजार वोटा तो हारा था, इबके 1.5 लाख वोटा तो हारेगा दीपेंद्र हुड्डा? योगेश्वर दत्त अपनी राजनीति देख लेना, तेसर करेंगे युगेवरिया भाई, 2 बार लिया युगेवरिया, 3रा नंबर है आज ये बोले सास दा बोले सलनी भी के बोले, जिसका कोई राजनीतिक इतिहास न्यास दी एक बार नहीं बन लिया, बता योगेश्वर दत्त का की है वो तो कहेगा पार्टी की आवाज है, पार्टी की तरफ तो बोल रहे अपनी। तो दीपेंद्र हुड्डा किसा व्यवहार कर रहा है जो जो कार्यकर्ता के? दीपेंद्र हुड्डा कति यार आ गया यार है भाई, कति सबकी बाण बेटी मान है, सब अपने अपनी माँ बाण बेटी दे ज्यादा मान है, और भाई आगा भाई यार आ यार सकूल डबचा दी रात ने मिले दीपेंद्र हुड्डा 365 दिन में 360 दिन अपने फील्ड में रहे है, अच्छा और रात ने 12 बजे मिली मिलने तैयार है, कति 3 बजे अपने घर बड़ा बेचारा रात के। यू अरविंद शर्मा देखा था आया यू मन तो बेरा नहीं, अरविंद शर्मा है कौन या एमपी बनया था यार कोई हम नहीं जानते, कदे आया नहीं अरविंद शर्मा। अच्छा अरविंद शर्मा की हैसियत है कि है दीपेंद्र के आगे? कुछ नहीं यार ओ उसने चैलेंज दे उन्होंने लंगोट बांध गया जा लंगोट पंगोट तो भी हम बताओगे उसका लंगोट कौन बांध रहा कौन ना मारा था बंदे बंदा आ रहा है सारी आना लंगोट। अच्छा तैयार है वो कति तैयार द भी आगे फिर कड़के तेने धोबी पछाड़ धोबी पछाड़। अच्छा आर पार की आर पारी को जोड़े नहीं दीपेंद्र का कति बेजोड़ सो रहा है। हाँ तो वो ठीक है ठीक है, ये बल्लो ठले गए खड़े हुंगाड़ है। अच्छा ये गाड़ मगे ना जान दो मैं तने। अच्छा के बात होगी भुवा है बात छे अच्छा आंगा कर रहे हो रे क्या का आंगा कर रहे तू कर नहीं रहा कूड़ कर रहा आंगा तो तू करेगा बस इसमें सारी बात आ गई बेटा। अच्छा भाई इलेक्शन आ गया 2024 का वोट बाट किस कितके सोची है गणे देश ने मैं समझान लग रहा तेरे ही डाला। अच्छा किसकी सोच रखी है वोट बट किसने जताओ है छोरेगी अपने वाले की कौन सा छोरा अरविंद भी छोरा है ना बड़ा हो लिया वो दही अच्छा छोटा कौन सा है फिर छोटा की तो बताओगा दीपेंद्र है दीपेंद्र है। अच्छा पिछली बार भी तो दीपेंद्र था और ना लिखड़न दो मारेगा तने बोल खींच कर जागा हारेगा कि जीतेगा। कति सारा देश पछे लाग लिया थोड़े गए। अच्छा कौन लाग लिया सारा देश? तमाम देश। अच्छा फिर ठीक आदमी कौन गई वो सारा देश पाछा लाग गया ठीक से जब लाग रहा है। अच्छा के कुछ बढ़िया काम करे इसने? ओ क्या बात है एक आधा तो बता दे बात तो बताऊंगा तेरी जड़े तो बोल रहे है एक आंखड़ी भी कितने मुंदरी हो जा रही है में और बोले गदा गद गदा गद गदा गद आज आज आधार कार्ड बनवा लो आज कम कर दो आज कम कर दो के मतबल है यो मतलब सो हो रहा तेरा तो बीजेपी वाले के खिलाफ हो रहा है जमा के करा होए जा है। अच्छा ठीक काम कौन कर रहा है मोदी? ना कौन कर रहा है अरविंद शर्मा देख क्या काम आया हुआ है कदे भी ना कदे भी नहीं। अच्छा के कुछ विचार है भाई? नमस्कार भाई इलेक्शन हो गया दीपेंद्र हुड्डा है भाई पछली गेड़ वो थोड़ी गड़बड़ कर दी भाई के गड़बड़ होगी रात ने क्या मतलब रिजल्ट क्लियर करने का दिन में होता भाई या गड़बड़ कर दी खुले आम दिन में हो यार खुले आम गड़बड़ कर रहता ना साई सरकार में चला रहा है मोदी हुड्डा में के खासियत लागी मेरे खासियत 36 दीपेंद्र हुड्डा नाम लेते भावुक हो गया तू हार का नाम लेते भाई 36 बरादरी के बीच में रहता है 24 घंटे में 22 घंटे भाईचारे में रहता है
सबके काम आता है, सबके समय काम करता है भाई। तो अब की बार के लाख गए अरविंद शर्मा या दीपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा? कितनी वोट आ गए? 2.5-3 लाख वोटों से। वो मतलब कांग्रेस सीएम होला तो नहीं फेड़ गया अपने सारे? ना 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 भाई। अच्छा। रोज आने इतना भाई दीपेंद्र का आशा है कि मैं बढ़िया काम करूँ। सारे काम उसने करे, पहले 10 साल रहे जब उसने काम करे हैं। वो पंद्रह उड़ा गए उन दोनों, वो दीपेंद्र को और वो पंद्रह को। तो भाई देखते रहियो वीडियो, आगे शेयर करते रहियो। धन्यवाद भाई।